एक बात की मुझे समझ नहीं आती, बिजनेस तुम्हारा है लेकिन हर फाइल पे दस्तखत जो है वो सबात के बहुत जरूरी है। क्या मम्मी वो हाथ बटा रही है मेरा? बहुत अच्छे तरीके से, बात सुनाइए तरीके से। अरे तुम शौहर हो उसके, इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हेल्प कर रही है मेरे बिजनेस में, अपने कैसे एकदम से उसको अलग कर दूं? तुम हो ही सदा के बेवकूफ। ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं बेवकूफी सही, आप तो समझदार है ना, अब ये बातें जाके सबात के सामने मत कर दीजिएगा। मैं तो करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ उसे, सारे कारोबार पे कब्जा कर लेगी और तुम नौकर बन के रह जाओगे। क्यों, ऐसा क्यों करेगी वो? ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। अच्छा तो करते रहो, जोर से दबाओ। क्या कह रही थी आंटी? कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? बैठे तो सही, आप जानती हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और ये सब कुछ जो है ये हमारा ही तो है। मैंने आपको कितने इख्तियारात दिए हैं, कितनी आजादी दी हुई, और आप फिर भी मेरी अम्मी की बातों की वजह से परेशान हो रही हैं। आंटी कह रही थी कि वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। और आपने सीरियस ले लिया बात? हाँ। आपको मालूम है ऐसा नहीं हो सकता, खुद सोचे, मैं कर सकता हूँ दूसरी शादी? सच कह रहे हैं आपकी कसम। और अगर आपकी अम्मी ने भी आपको अपनी कसम दे दी तो? बोले तो मैं अपनी कसम निभाऊंगा। सच में? बहुत अच्छे हैं कमल। आप भी बहुत अच्छे हैं। चाय चाय पीएंगे? मूड तो हो रहा है मेरा। आफ्टर द माइक।